जय हिंद बच्चों। चलिए आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? भगवान से यही दुआ करते हैं आप लोग अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज अध्याय दो, नाइन्थ क्लास में अध्याय दो चल रहा है, बहुपद पॉलीनोमियल और प्रश्नावली 2.5 है। इसमें का पहला दूसरा सवाल बन गया था, हम लोग तीसरा सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, सवाल सुनिए। तीसरा सवाल कह रहा है, उपयुक्त सर्वश्रमिका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, माने सूत्र का प्रयोग करके हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए तो इसका पहला सवाल क्या है, क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। वो सूत्र के प्रयोग करके, सर्वश्रमिका का प्रयोग करके, है ना, सर्वश्रमिका का प्रयोग करके हम लोग को गुणनखंड निकालना है। तो सवाल किस तरह का दिया हुआ है, सवाल पहला सवाल है 9x² + 6xy + y² ये आपका दिया हुआ है ना, और इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, तो तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद। तो तीन पद का गुणनखंड हम लोग मध्य पद तोड़ के निकालते थे, आप लोग देखे होंगे तो याद पड़ेगा। लेकिन यहां क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला का प्रयोग करके फॉर्मूला सेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला सेट होगा, चलिए तो 9 है तो वर्ग याद करना चाहिए, वर्ग और घन याद रहेगा तो हम लोग सूत्र की सहायता से गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 3 3 9 क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, 3x² प्लस फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए 2ab, यह क्या लगेगा 2, ये कितना हो गया 3x, इसका मतलब 3 6 हो गया। तो यहाँ है ना, बी इसका मतलब y है, बी क्या है, इसका मतलब y है, तो 6 आ गया, 3 6 y 6xy हो गया। अच्छा प्लस y का क्या हो जाएगा, y का y हो जाएगा y² चलिए तो क्या आ गया, a² + 2ab + b² है ना, a हो जाएगा 3x और b हो जाएगा y, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला है याद कीजिए, a + b² क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है नो, a + b² सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b² तो यही फॉर्मूला इस पर लगेगा। इसका मतलब कि a हो गया 3x, b हो गया y, तो लिख देंगे a + b² तो कितना बार है, 2 बार है, स्क्वायर है मतलब कौ बार है, 2 बार है। तो इस तरह हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, देखिए कितना जल्दी बन गया। अगर समझाना नहीं होता तो तुरंत बन जाता, लेकिन बच्चों को समझाना है कि कैसे हम लोग गुणनखंड का निकालेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है इसमें, क्या दूसरा सवाल क्या है ना, 4y² क्या है, 4y² माइनस 4y + 1 इतना दिया हुआ है। चलिए बनाया जाए, तो 2 2 का 4 वर्ग याद होना चाहिए, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2y² कर सकते हैं, माइनस 2 2 × 2y ये कितना है, अब b मतलब 1 है, तब ना 2 2 4 आया, 4 आ गया, 2 2 का 4 4 एकम 4 आ गया, प्लस 1² अगर 1² करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए a हो गया 2y और b हो गया 1, क्या होगा, ये कौन सूत्र है, माइनस का सूत्र है, इसमें माइनस वाला है, देखिए ये कौन सूत्र है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ऊपर था प्लस वाला अब की माइनस, तो a माइनस b² आता है a² - 2ab + b² ये फॉर्मूला होता है ना। तो क्या लगाएंगे सब सूत्र, a² - 2ab + b² ए हो गया 2y, बी हो गया 1, तो लिखेंगे a - b² इसका मतलब कवर है 2 बार है, कवर है 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे, तो ये आपका गुणनखंड, यानी 4y² - 4y + 1 का गुणनखंड कितना आया, 2y - 1 और 2y - 1 ये गुणनखंड। इस तरह हम लोग सूत्र का प्रयोग करके हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, है ना। चलिए इसमें हम लोग चलते हैं, तीसरा दो सवाल बन गया, तीसरा सवाल देते हैं। चलिए 3 का तीसरा सवाल,
सवाल नंबर तीन का तीसरा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस है ना वाई स्क्वायर बटा सह दिया है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो एक्स यहां लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं नो, एक्स के होल स्क्वायर माइनस वाई बटा दस दादाइया सह होता है ना, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं दादाइया सह, देखिए इस तरह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा दस क्या कि दादाइया सह वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। कोई एक्स प्लस वाई भी लेता है तो इसमें एक्स वाई है, इसलिए हम एक्स वाई नहीं ले रहे हैं, ए भी ले रहे हैं, ए भी अगर ए भी होता तो एक्स वाई लेते, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है इसलिए हम ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी ले रहे हैं। चलिए तो ये ए हो जाएगा एक्स और बी हो जाएगा वाई बटा दस, इसका क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए हो गया एक्स और बी हो गया वाई बटा दस, ए प्लस बी हो गया। चलिए एक हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी एक बार जोड़ा जाएगा एक बार घट जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। गुणनखंड आ गया, इतना का गुणनखंड इतना गया, कितना देर लगा, एक मिनट में ही नहीं लगेगा, एक मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। यहां समझाना इसलिए टाइम थोड़ा देना पड़ रहा है बच्चों के लिए, लेकिन बनाइएगा तब माने तुरंत बन जाएगा, ये फॉर्मूला देखिएगा तुरंत लिख दीजिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो इस तरह हम लोग गुणनखंड, इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो हम लोग गुणनखंड इस तरह निकाल लेंगे। अच्छा मैंने इसमें तीनों सवाल बन गया, तीन का तीनों सवाल बन गया। तो आज इतना ही, इसको पढ़िए, मंथन कीजिए, विचार सागर मंथन करके उसको आगे प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा जय हिंद जय भारत।